सांप के जहर वाले मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। उनके 5 अन्य साथियों पर भी मुकदमा दर्ज कर उन 5 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मामले पर एल्विश यादव लगातार सफाई दे रहे हैं। इन सब के बीच एल्विश यादव के पिता राम अवतार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि फेमस होने के बाद ऐसा भी होता है, पहली बार देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि एल्विश यादव बेकसूर हैं और सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि आखिर में सत्य की जीत होगी और उन्हें एल्विश यादव पर पूरा भरोसा है। असल में गुरुग्राम में एक न्यूज चैनल से बातचीत में एल्विश यादव के पिता राम अवतार ने कहा कि उन्हें एल्विश पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि एल्विश यादव उस वक्त मुंबई में था और वो बेकसूर है, उस पर फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं। फेमस होने के बाद ऐसे भी होता है, पहली बार देखा है। उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की चीजों से परिवार को एक बड़ी चोट लगी है, लेकिन जिस तरह से लोगों का प्यार एल्विश यादव को मिला, उसी तरह से लगातार उसको प्यार मिलता रहेगा। एल्विश पर लगे आरोपों पर उनके पिता ने कहा है कि सत्य ही जीत हो। जानकारी के लिए बता दें कि एल्विश पर आरोप है कि वो दिल्ली NCR के फार्म हाउसों में गैर कानूनी तरीके से रेव पार्टी और सांप के जहर की सप्लाई करवाते हैं। इतना ही नहीं, ये भी आरोप है कि इन पार्टियों में विदेशी लड़कियां भी आती हैं। ये लोग यहां अन्य नशीले पदार्थों के साथ सांप के जहर का भी प्रयोग करते हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने एल्विश समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज की है। FIR में कहा गया है कि एल्विश यादव जहरीले और जिंदा सांपों के साथ नोएडा के फार्म हाउस में वीडियो बनाते हैं और रेव पार्टी कराते हैं। बता दें कि बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने एल्विश यादव के ऊपर कई सिलसिलेवार आरोप लगाए हैं। मेनका गांधी के द्वारा संचालित संस्थान पीपल फॉर एनिमल्स की शिकायत पर ही एल्विश यादव के 5 साथियों को नोएडा पुलिस ने अरेस्ट किया है और उन पर मामला दर्ज किया गया है। मेनका ने यह भी बताया कि कैसे उनकी टीम ने एल्विश को पकड़ा है। उन्होंने बताया कि ट्रैप के लिए हमने उनको ही फोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने ये लोगों को भेजा ये देखने के लिए कि ये ट्रैप है या सही है। अब उसको लगा जब कि ये सही है तो सांपों और जहर के साथ 5 लोगों को भेजा गया। खुद पर लगे तमाम आरोपों पर एल्विश यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से मैडम यानी मेनका गांधी ने आरोप लगाए हैं, उस हिसाब से माफी भी तैयार रखें। इसके बाद एल्विश यादव ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने सुबह उठकर देखा कि मेरे खिलाफ कैसी कैसी खबर फैल रही है, कई आरोप लग रहे हैं, ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, सब फेक हैं, इनमें एक परसेंट भी सच्चाई नहीं है। मैं यूपी पुलिस के साथ पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार हूँ। वो आगे बोलते हैं कि मैं यूपी पुलिस प्रशासन और साथ ही CM योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ कि अगर इस मामले में मेरा 1% भी इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो मैं सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। इन आरोपों से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। खैर, आप भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंशिका शर्मा के साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद।